बोरीवली आरटीओ ने आयोजित किया राइड फॉर सेफ्टी कैंपेन का हिस्सा बने बॉलीवुड के कई कलाकार जिन्होंने 8000 बाइकर्स के साथ हिस्सा लेकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। राइड फॉर सेफ्टी कैंपेन में पुलकित सम्राट, रणविजय सिंह, डीनो मोरिया, मलिश्का, अर्जुन बिजलानी, शान, राजीव रुइया और रजनीश दुग्गल जैसे कलाकारों ने हिस्सा लिया। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माय हार्ट इज फिल्ड अप विद जॉय टू सी ऑल ऑफ यू हियर एंड दिस रियली इंटीग्रेट्स आवर नेशन, शोज द इंटीग्रिटी ऑफ आवर नेशन। वी रिस्पेक्ट ऑल बाइकर्स एंड वी ऑल रिस्पेक्ट एंड लव यू। I want all of you all to ride safely and preserve the image of the bikers. Go in lanes, drive, ride properly. I won't say much because we really need to flag off this. All of you can disperse and go in queues. Don't make a chaos and go systematically and ensure that the discipline is maintained. Thank you. Thank you very much. Yes. All right. All the bikers in the house, all the ladies, all the kids, everybody who's here. We have an opportunity to make a Guinness Book record. Who wants to make this record? You just heard. I want to see the hands. Everybody put your hands up. All you got to do is listen to the whole lecture that's given to you for just 30 minutes. All of us are here. We learned something. It's a great cause for road safety. And it's great for us, man. As bikers, we need to do this for our image. We need to be part of this record. And All we gotta do is stay put for half an hour. और लोगों से अपील की बाइक चलाते समय नियमों का ध्यान रखना चाहिए। पुलकित ने अपनी आने वाली फिल्म सनम रे के बारे में बताया। सनम रे को लेकर ऑब्वियसली बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज ट्रेलर का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया है, सॉन्ग्स का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया है, लोगों को टाइटल ट्रैक बहुत पसंद आया है, बाकी भी जितने गाने निकले हैं बहुत अच्छे लगे हैं एंड दे लाइकिंग व्हाटएवर दे आर वॉचिंग फ्रॉम द फिल्म सो फार। सो वी जस्ट होपिंग कि जितना प्यार उन्होंने ट्रेलर और सॉन्ग्स को दिया है लोगों ने, उतना ही प्यार जब फिल्म 12 फरवरी को रिलीज होगी तो लोग उससे भी ज़्यादा प्यार फिल्म को देंगे। बोरीवली से अमरनाथ प्रसाद की रिपोर्ट। विद्या बालन के हाथों लॉन्च हुई सुकन्या वेंकट राघवन की पहली नॉवेल डार्क थिंग्स। कल बैंड्रा में विद्या बालन ने सुकन्या की पहली नॉवेल लॉन्च की। लॉन्च के दौरान सुकन्या ने नॉवेल को लिखने का एक्सपीरियंस शेयर किया और फैंटेसी की अलग दुनिया से अपने लगाव की बातें की। उन्होंने बुक के बारे में बताते हुए कहा कि जब लोगों ने उनसे पूछा कि उन्होंने डार्क थिंग्स जैसी बुक क्यों लिखी तो उनका जवाब ये था कि उन्होंने वैसी ही बुक लिखी जैसा वो पढ़ना चाहती थी। विद्या बालन ने सुकन्या की नॉवेल डार्क थिंग्स को एक अलग सी काल्पनिक दुनिया जो असल दुनिया और कल्पना के बीच के अंतर को मिटा देती है ऐसा बताया और उन्हें बुक पढ़ना बहुत अच्छा लगा। विद्या बालन ने कहा कि उन्हें ये बुक बहुत रोमांचित लगी और J.R.R. टॉकिन की याद दिला दी। बैंड्रा से मुमताज जवेरी की रिपोर्ट। जोरों शोरों से शिव तांडव। भगवान शिव के भक्तों को सेलिब्रेट करने का एक और मौका मिला। ओशिवारा में कंगारू वर्ल्ड एंटरटेनमेंट ने शिव तांडव को एक अलग ही अंदाज में एल्बम के रूप में पेश किया।
इस एल्बम को शेखर नेगी ने प्रोड्यूस किया और गाया है। सुरेंद्र बच्चन इस एल्बम के म्यूजिक डायरेक्टर हैं, जिन्होंने 300 से ज्यादा पंजाबी और हिंदी गानों में अपना योगदान दिया है। इस एल्बम को महमूद बख्शी ने डायरेक्ट किया है, जो एक एक्शन डायरेक्टर हैं, जिन्होंने करीब 30 बॉलीवुड फिल्मों में काम किया है। और दिलीप मिस्त्री ने इस एल्बम को कोरियोग्राफ किया है। इस इवेंट को फेमस रेडियो जॉकी अनुराग पांडे ने होस्ट किया, जिन्हें पिक्चर पांडे के नाम से जाना जाता है। शेखर नेगी ने कहा कि आजकल के युवाओं को संस्कृत के शब्द नहीं पता और उन्हें रॉक म्यूजिक अच्छा लगता है। यह एक कोशिश है जिसमें रॉक म्यूजिक और शिव तांडव के शब्दों को मिलाया गया है, जो आजकल की जनरेशन को पसंद आएगा। हर हर महादेव। वाह रे वाह, जो भी संकोच हुआ है सब भूलेगा, की इच्छा से होगा, उसके ऊपर पूरी पूरी विश्वास है। और मुझे पता था कि इतना एक दिन बाबा पूजा वशान समय दस वक्त रखिए, यह शंभु भोजनम परम पटति प्रदोष तस्य स्थिराम रथ गजेंद्र तुरंग युक्ता लक्ष्मी सदैव समुखम दाराज। इसका मतलब कि सायंकाल में सुबह भोलेनाथ की पूजा करने से स्थिर लक्ष्मी मिलती है और कभी भी आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। अगर बाबा के चरणों में आप देखना मांगते हैं, आस्था एकदम बड़ी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। अंतरात्मा से आपने जो भी कुछ किया है बस उसको आप प्रकट कीजिए, स्वयं भोले बाबा आपको हर जगह पर इस कार्यों को पूरा करने के लिए शायद भगवान ने मेरी माता के जरिए से विजय और मैंने इंडिया नहीं पूजा करने से ये सब कुछ आ गया। काफ़ी कष्ट नहीं डाला, बाबा पे पूर्ण विश्वास था मुझे और वो आपके सामने। दरअसल भोले बाबा को ऐसी चीज़ पसंद है जिसे हमें नहीं पसंद, मशान हुआ, धतूरा हुआ, हाँ। हम ये सब चीज से जैसे जो भी बाबा को जो सेवन लगता है, हमें वो चीज़ नहीं पसंद, लेकिन बाबा को सब चीज़ पसंद, हाँ। इसके लिए बाबा सब चीज़ के लिए अपना प्रसन्न रहते हर चीज़। शेखर ने कार्निवल सिनेमाज में उपस्थित ऑडियंस के लिए 3 गाने भी गाए और परफॉर्म भी किया। ओशिवारा से मुमताज़ जवेरी की रिपोर्ट। पुनीत सिंह, इंडिया लाइव न्यूज़, मुंबई।